हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे केपीआर मिल और वेल्सपन इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में और जानेंगे कि कंपनीज के किस तरीके से जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे किस तरीके का जो है आपको इन दोनों स्टॉक्स में रुझान देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं केपीआर मिल की। तो केपीआर की अगर रिजल्ट की अगर बात करें, बहुत ही शानदार जो है परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने जो है दिखाई है इस बार। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं आपके सामने जो है रखूं तो आप देखेंगे कंपनी जो है आगे एक्सपेंशन जो कर रही है, जो इनका जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके बारे में कंपनी ने जो कहा है कि वो प्रोग्रेस पे चल रहा है एज पर शेड्यूलिंग, मतलब जो शेड्यूल किया गया था वही प्रोग्रेस जो है चल रही है, लेट नहीं है, मतलब तो डिले का कोई भी मतलब नहीं है, उसी तरीके से जो है परफॉर्मेंस इसकी जो है चल रही है, प्रोग्रेसिंग है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, किस तरीके से जो है इनकी इनकम आती हुई दिखी है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी को इस बार जो है होती हुई दिखी है। तो मैं आपके सामने जो है इनका कंसोलिडेटेड जो है रिजल्ट रखता हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इनकम इनकी जो है बेहतरीन, क्वार्टर इन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों तरीके से जो है इनकी इनकम जो है बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल हो चुकी है प्रॉफिटेबिलिटी, डबल से भी ज्यादा, खासकर जो देख सकते हैं आप ईयर ऑन ईयर तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। क्वार्टर इन क्वार्टर भी कंपनी की जो है शानदार परफॉर्मेंस जो है, शानदार जो है इन्होंने रिजल्ट इस बार पोस्ट किया है। और आप जो है ईपीएस देख सकते हैं, करीब 3.25 की, 3.5 की ईपीएस जो है करीब करीब 7 की हो चुकी है और 5 रुपए की ईपीएस जो है करीब 7 की हो चुकी है क्वार्टर इन क्वार्टर। यहाँ पे अगर बात करें तो सेगमेंट कौन कौन से जो है परफॉर्म किए हैं अच्छे खासे, वो मैं जो है आपके सामने रखूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्सटाइल भी बढ़िया चला है, देख सकते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस आई है। एंड शुगर सेक्टर से, शुगर सेक्टर ने तो जान डाल दी है, मतलब कंपनी के अंदर देख सकते हैं आप, इसमें भी परफॉर्मेंस बढ़िया आई है, टेक्सटाइल से भी अच्छी आई है और अदर्स से भी अच्छा खासा, मतलब सारे के सारे सेगमेंट जो है बढ़िया चलते हुए जो है दिखे हैं। तो बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से एक बार और केपीआर मिल। यहाँ पे अगर बात करें स्टॉक के चार्ट पैटर्न की तो स्टॉक का आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न जो है कंपनी का जो है स्टॉक का जो है बना हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी ग्रीन कैंडल जो है बनी हुई है इस वाले महीने की, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी देख सकते हैं तो स्टॉक अपने जो है बुलिश ट्रेंड में है बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं भी कोई भी डरने की बात नहीं है स्टॉक में। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला बेस अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का नीचे जो एक बेस निकल के आ रहा है वो है करीब 425 रुपए का, बार बार जो है 425 से ये स्टॉक जो है रिपीट मार रहा है, जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है जब तक कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक के अंदर, एक अच्छा खासा बेस है 425 का। ईपीएस की बात करेंगे तो देखेंगे 18 की है, एक स्मॉल कैप कंपनी, 0.19 डिविडेंड यील्ड है और फेस वैल्यू देखेंगे तो इसकी जो है 1, अभी स्प्लिट भी हुआ है स्टॉक। डिविडेंड की अगर बात करें तो कंपनी जो है रेगुलर डिविडेंड जो है पे कर रही है और इस बार जो है आप देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। यहाँ पे अगर बात करें डेप्ट की तो धीरे धीरे करके जो है कंपनी डेप्ट भी कम कर रही है ईयर ऑन ईयर, अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है स्टॉक के पास में। एंड बात करें तो 22% की आरओई है, बेहतरीन कंपनी केपीआर मिल, अच्छा रिजल्ट जो है आता हुआ दिखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए मेंबरशिप प्रोग्राम्स के बारे में आप हमें मेल करके या कॉल करके पता कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं वेल्सपन इंडिया की, वेल्सपन इंडिया की अगर आप परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे, मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री जो आती हुई दिखी है बहुत ही शानदार कमेंट्री जो है आती हुई दिखी है। इस बार थोड़ा सा इनको जो है एक प्रॉब्लम होती हुई दिखी थी जो इस वाले क्वार्टर के अंदर, जहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनको चैलेंजेस जो देखने को मिले, हाई इनपुट कॉस्ट, इंक्रीज एनर्जी प्राइसेस, ग्लोबल लॉजिस्टिक इशू जो है थोड़े बहुत इनको आपकी बार जो है आते हुए दिखे, तो लेकिन उनको इन्होंने कॉशियसली लिया और उस पर जो है इन्होंने वर्कआउट किया। तो आगे लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छा खासा काम जो है करती हुई दिखेगी, जिस तरीके से ये जो है बोल रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो है आगे बोला हुआ है। की बिजनेस अपडेट्स की अगर बात करें तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, आप कैपेसिटी एनहेंसमेंट जो है करने लग रही है धीरे धीरे करके, तो क्वार्टर 3 FY21 के अंदर जो है होता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे करके और भी एडिशनल टीटी कैपेसिटी जो है लगा रही है। तो मतलब आगे जो है इनके एक कैपेसिटी एनहेंसमेंट के एक अच्छे खासे जो है प्लान है और जिससे कि कंपनी का आगे जो है एक परफॉर्मेंस, एक रेवेन्यू, एक प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती हुई दिखेगी, ये काफी अच्छी खासी बात है। काफी तरीके के जो है इनको अवार्ड एंड एक्लेड्स भी जो है मिलते हुए दिखे हैं इस बार वेल्सपन की अगर बात करें, और ग्लोबल लीडर है होम टेक्सटाइल के अंदर, बढ़िया कंपनी। इस बार अगर इनके रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपके सामने इनके जो है रिजल्ट रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड, हालांकि रिजल्ट इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा एक निराशाजनक जो है रहा है, नहीं तो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़िया है परफॉर्मेंस इनकम के हिसाब से, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया है इनकम के हिसाब से,
प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर हालांकि इनका प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट जो है डाउन गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर भी इतना खासा अच्छा खासा जो कोई प्रॉफिट इतना बढ़ा नहीं है, और लेकिन ठीक ठाक एक प्रॉफिट थोड़ा बहुत इनका बढ़ता हुआ आया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर तो है प्रॉफिट एक डाउन गया है। जहां पे मतलब टेक्सटाइल कंपनीज के रिजल्ट बहुत शानदार जो है आते हुए दिख रहे हैं, वहां पे थोड़ा जो है एक बार बेल्समैन इंडिया ने जो है इस बार निराश किया है, और होपफुली लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट जो है बोल रहा है तो हम देखेंगे कि आगे जो है कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक दिखाती हुई ये जो है कंपनी नजर आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका फ्लोरिंग वाला जो बिजनेस था पहले वो नेगेटिव, पहले वो लॉस में था, इस बार वो भी जो है पॉजिटिव आता हुआ दिखा है, और यहाँ पे जो है एक होम टेक्सटाइल से जो है एक मिला जुला जो है परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा है। यहाँ पे अगर बात करें तो कंपनी का स्टॉक भी एक अच्छा खासा ऊपर से करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, एक करेक्शन ऑलरेडी जो है इस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक का नीचे एक बेस जो निकल के आ रहा है वो है करीब 125 रुपए से 135 रुपए का एक अच्छा खासा इसका जो है बेस है, तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। स्टॉक यहाँ तक अगर ड्रैग भी अगर होता है तो वो एक लेने का एरिया जो है बनेगा, स्टॉक को दोबारा से जो है परचेज करने का एरिया बनेगा, एवरेज करने का एरिया बनेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट जिस तरीके से जो आगे प्रोग्रेस करना चाह रहा है, जिस तरीके से अपनी कैपेसिटी को एनहेंस कर रहा है, उससे काफी अच्छा खासा जो है एक प्ले करेगी ये कंपनी आने वाले टाइम। 7 की ईपीएस है, स्मॉल कैप कंपनी है, 0.10 की डिविडेंड यील्ड है, 1 की फेस वैल्यू है, एंड यहाँ पे अगर बात करें डिविडेंड तो आप देखेंगे कंपनी जो है रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। एंड यहाँ पे अगर डेप्ट की बात करें तो स्टॉक देख सकते हैं ये भी धीरे धीरे करके जो है कंपनी डेप्ट को कम कर रही है, अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है स्टॉक में, 14.5% 15% की आरओई है स्टॉक की। बात करें दोनों स्टॉक्स की तो यहाँ पे अगर बाई का अगर आपको रखना है प्लान, हालांकि दोनों में ही रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे नंबर वन अगर आपको प्रायोरिटी जो है रखनी है तो केपीआर मिल को रखें, सेकंड पे बेल्समैन रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर बात करें होल्ड की दोनों को ही होल्ड किया जा सकता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के स्टॉक्स के चार्ट में, थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब करेक्शन देखने को मिल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जब दोनों के दोनों स्टॉक्स जो है अपने बुलिश ट्रेंड में जो है बने हुए हैं, और यहाँ पे अगर सेल आउट के मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, दोनों के दोनों स्टॉक्स जो है आगे परफॉर्म अच्छा खासा करते हुए दिखेंगे, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, रेवेन्यू के लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से जो है कंपनी आगे बढ़िया परफॉर्म जो है कर सकती है, एक टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छा खासा जो है रुझान देखने को मिल भी रहा है। अपना भी एक बार एनालिसिस जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें, और आपको इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।